प्रतापपुर विधानसभा के सौरा गांव निवासी सपा नेता अवधेश नारायण सिंह यादव जो पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी में काफ़ी सालों से जुड़कर सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शनिवार को हंडिया में भाजपा की मीटिंग में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ था, जिसमें सपा नेता अवधेश नारायण यादव बौरौद से आ रहे थे जो जनता की भीड़ में रुक गए। इसी बीच किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बदनाम करने की साजिश से उन्हें भाजपा में शामिल होने के बारे में गलत अफवाह फैलाई, जिसको लेकर सपा नेता ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैलाई गई पोस्ट को गलत और अफवाह बताते हुए कहा कि सपा की नीतियों से भाजपाई बौखलाए गए हैं, इसलिए बदनाम कर रहे हैं। हम लोग सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी, जिससे भाजपाई बौखला गए हैं और कार्यकर्ताओं को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही रहेंगे। प्रयागराज से संवाददाता केपी वर्मा की रिपोर्ट। गलत ढंग से बलात्कार करके उसकी मिट्टी को रात में मिट्टी का तेल छिड़े कर जलाने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि हम गैस फ्री देंगे, उन्होंने गैस फ्री देने का बात किया लेकिन गैस का दाम 432 रुपये 7 साल पहले था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1015 रुपये का गैस का दाम दे यानी गैस का दाम हो गया है। और जो पेट्रोल का दाम है, आप देख रहे हैं पेट्रोल का दाम इस समय पेट्रोल का।